दुनिया में जब से लॉकडाउन हुआ तब से पूरी दुनिया खौफजदा है। दुनिया का हर आदमी दहशत में है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक संकट से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण सभी का रोजगार बंद हो गया। खासकर उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो एक देश से दूसरे देश में रोजगार के लिए आते हैं। ऐसा ही एक वाकया सरदार शहर में नजर आया है। यहाँ पर नेपाल से कुछ लोग चौकीदारी करने के लिए भारत आते हैं। गली मोहल्लों में रात को पहरा देकर अपने परिवार की रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी में इनका भी रोजगार चौपट कर दिया। आम आदमी के पास उनको देने के लिए अब 100 रुपए या 50 रुपए भी नहीं है, जिसके कारण इस चौकीदारी करने वाले नेपाली बंधु काफी दिनों से परेशान थे। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। ऐसे में ये लोग प्रशासन और भामाशाहों से अपने स्वदेश लौटने की गुहार लगा रहे थे। पिछले काफी दिनों से लोग परेशान थे और प्रशासनिक अधिकारियों के पास स्वदेश लौटने के लिए दर दर भटक रहे थे। आखिरकार अब सरदार शहर प्रशासन ने इन्हें नेपाल भेजने की व्यवस्था की और बस द्वारा इन्हें उत्तर प्रदेश व नेपाल के बॉर्डर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना किया। यहां से नेपाल के अधिकारी इनको रिसीव करेंगे। सरदार शहर वासियों प्रशासन ने इनकी स्क्रीनिंग करवाकर बस द्वारा ससम्मान नेपाल रवाना किया। कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया के लोग इस वक्त परेशान हैं। आप भी काफी समय से अपने वतन जाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। आज प्रशासन ने आपकी सुनवाई की है और गांधी विद्या मंदिर और प्रशासन के सहयोग से आपको आज सकुशल सम्मान पूर्वक वतन भेजा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? गांधी विद्या मंदिर और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद। और ये युवा शक्ति मंच, सरदार सर युवा शक्ति मंच को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू दिन से स्टार्ट दिन से आज तक हमें गांव भेजने की प्रयास में हरदम ये प्रशासन यहाँ की राज्य सरकार से जुड़ के हमें सहयोग करने के बहुत बहुत उन्होंने भी प्रोसेस किए। वो सकुशल स्वागत के स्वागत करते हुए हम नेपाल भेज रहे हैं। मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद देने देते हैं। हम यहाँ चौकीदारी का काम करते थे, पहरेदारी देते थे रात में, तो हमको 150 रुपये जो भी है घर से मिलता था। एक घर से पूरी गलियों में हम रात में ड्यूटी करते थे, जो मिलता था उसमें हमारा पेट और हमारा परिवार का जुड़ा हुआ पेट पालते थे। आज वो मतलब ये विश्व महामारी के वजह से, ये कोरोना महामारी के वजह से सभी को मतलब वो हो गया, धंधा डाउन।